सो व्हाट इज अप गाइस, कैसे हो? बाल बच्चे सब ठीक ना? हाँ ठीक है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप जब रिकॉर्डिंग या स्ट्रीमिंग कुछ भी कर रहे हो ना, आपको 1080p यानी कि फुल HD पे 60 FPS, वो भी बिना बिटरेट या FPS ड्रॉप हुए कैसे आप कर सकते हो, उसकी सेटिंग बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, मतलब थंबनेल से पता चल गया रहेगा, टाइटल से भी, तो वो करूँगा स्ट्रीम ब्लास्ट में जितनी दिखाने के लिए। ठीक है, तो दोनों का सेम है, कोई फर्क नहीं है, दोनों OBS ही है, कंपनी अलग है बस। भाई तू OBS का OBS, मैं स्ट्रीम ब्लास्ट का OBS। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं बता देता हूँ पहले सेटिंग, ये एडवांस में जाने का। ठीक है, एडवांस में जाने के बाद ऑर्डर ट्रैक को कुछ नहीं करने का, एक पे एक ही रखने का कि अपने पास कोई 10 करोड़ के स्पीकर्स नहीं पड़े, ऐसे भी कोई भी रखता होगा। और यहाँ पर रहेगा डिफ़ॉल्ट में सॉफ्टवेयर, क्योंकि जब अपन इंस्टॉल करते हैं तो सॉफ्टवेयर खुद को ही लेता है, क्योंकि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसको लगता है अपने पास कोई हार्डवेयर नहीं है। और जो हार्डवेयर है वो ये रहते हैं, यानी कि अपना ग्राफिक कार्ड या फिर CPU। ठीक है, तो ग्राफिक कार्ड का लिए ये अपन हार्डवेयर का ये रखने का न्यू वाला, तो उसको लगता है जो न्यू इंस्टॉल किया है ग्राफिक कार्ड वो रहेगा इसके अंदर, तो ये उसके बेस पे चलेगा। ठीक है, इधर ये टिक रहेगा स्ट्रीम एनफोर्स करने के लिए, मतलब फोर्स करता है ऐसे करने के लिए, लेकिन नहीं करने का, इसको टिक हटा देने का यहाँ पर रहेगा। तो और इधर करने का CBR पे क्लिक करता है, CBR यानी कि कॉन्स्टेंट बिटरेट। तो इससे कैसा है, जो अपन अभी जो बिटरेट रख रहे हैं, मैंने 9000 किया, तो ये जो बिटरेट है ये कॉन्स्टेंट रखेगा, कभी कम ज़्यादा करने नहीं देगा। अगर उसको लग रहा है नेट स्पीड स्लो है तो स्लो के हिसाब से रखेगा। ठीक है, अब मेरा जो इंटरनेट का स्पीड है वो 15 Mbps है। ठीक है, 15 Mbps के लिए मैंने 9000 kbps किया, यानी कि kbps यानी कि 9 Mbps, तो कितना रखने का, अगर आपका समझिए 10 Mbps है तो लगभग मतलब मैं 4,000 से 5,000 का बिटरेट रख पाऊँ। जैसे कि इन लोग ने बताया था गूगल में कि ये रखने का, क्या बोलते हैं, बिटरेट, ये देख बताता हूँ, रेट फॉर 1080p, तो यहाँ पर लिखा है देखो 8000 kbps, 128 kbps, ऐसा। तो ये वीडियो बिट रेट होता है ऐसे, तो मैं बोला 9000 और 720p के लिए 5000 1080p, बस यहाँ स्पीड थोड़ा अच्छा सा रखो, तो फिर टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद में ना तो बता देता हूँ कि ये 9000 रखने का, अगर आपका 10 से ऊपर है तो ठीक है, 10 से कम है तो ट्राई करो 5 to 6 रखने का, क्योंकि अकेला अगर ये उतना ज़्यादा खाएगा ना 9000, तो फिर आपका नेट ही नहीं चलेगा, शायद जहाँ पर इंपॉर्टेंट है वहाँ पर चलेगा ही नहीं। इसीलिए की फ्रेम जो है वो 2 रहेगा, 2 ही रखने का। अब यहाँ पर जो है प्रीसेट के अंदर आपके ऊपर है, क्वालिटी रहता है डिफ़ॉल्ट, आप मैक्स क्वालिटी भी कर सकते हो, क्योंकि जिसका जैसा है, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिसाब से, तो हार्डवेयर जैसा है वैसे रखने का। मेरा मैक्स क्वालिटी रखा है क्योंकि मैंने अच्छा दिखना चाहिए ना, तो इसीलिए, और मेरा थोड़ा PC अच्छा भी है तो इसीलिए। प्रोफाइल हाई रखने का, लुक अहेड को ऑफ करने का, साइको विजुअल ट्यूनिंग को ऑन रखने का, क्योंकि वो थोड़ा सा ट्यून करता है कि अगर इसको मैनेज नहीं हो रहा है तो इसमें चलेगा ऐसा ट्यून। GPU को 0 रखने का, क्योंकि GPU अपने पास सिर्फ एक है, तो वो जो काम है वो इधर जाने वाला है, तो इधर कर डालेंगे तो फिर और प्रेशर आएगा, तो मत करो, 0 ही। मैक्स बी बिटरेट फ्रेम जो है वो 2 रखने का, सिंपल हो गया। ये कंप्लीट होने के बाद वीडियो में जाने का, और यही सेम चीज़ OBS में नॉर्मल वाले जो है ना उसमें भी सेम डाला है मैंने। ठीक है, तो फिर वीडियोस में जाने का, वीडियोस में जाने के बाद यहाँ पर रिसोल्यूशन जो है वो आपके ऊपर है रखने का है, आपको जैसी मतलब आपकी स्क्रीन की क्वालिटी है, और उसके बाद में आपका जो मदरबोर्ड CPU और ग्राफिक कार्ड, ये जो अगर अच्छा है, बहुत बेस्ट है, तो 1920 में चले जा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी। लेकिन अगर इतना नहीं है, मैंने कम रखा है, क्योंकि देखो आखिर में देना कितना है, 1080p फुल एच डी से थोड़ा सा ज़्यादा रखने का कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, रिसोल्यूशन तो उतना ही मिलेगा, इसीलिए मैंने ये दोनों से उतने ही रखे हैं। इसके अंदर जो है वो बायलाइनर रहेगा, तो बायलाइनर को हटा के लैंसियोसिस रखने का, वो पता नहीं क्या नाम है वो रख देगा, जिसके अंदर 32 सैम्पलिंग्स है, 32 सैम्पलिंग समझ लो 32 बिट जो रहता है ना, वैसा
इधर कॉमन, ये कॉमन, और ये FPS, FPS जो है वो 60 कर ले लेगा, क्योंकि इतना जो भी सेटिंग जो अपन ने बैकग्राउंड में किया था वो इसके ऊपर अभी हो गया क्लियर भाई, मैनेज कर लिया, तो 60 FPS रख देगा और कर देने का डन, और वो भी इसमें करने का अप्लाई, बस आपका एकदम चैट चैट टैक टैक एकदम क्लियर आएगा, वो भी जो मैंने बताया था कि कांस्टेंट बिट रेट के साथ। तो कांस्टेंट बिट रेट जो अपने ऑन किया था यहाँ पर PVR कांस्टेंट बिट रेट, तो ये इसके वजह से आपको 60 FPS एकदम तड़का भड़का एकदम मस्त मिले, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बहुत, ठीक है। ख्याल रखो, खुश रहो, गुड बाय, टेक केयर, सी यू। और यार गाइस लाइक सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब कर लो, रुको मेरे को दिखाता हूँ मैं, एनालिटिक्स इतना घटिया चल रहा है मेरा, क्या ऑडियंस ये देखो 40% सब्सक्राइब है और 59% नॉट सब्सक्राइब, क्या कर रहे हो सब्सक्राइब करो, इतने जनकाई को टाइम पास कर रहे हैं, 40% वो भी ऐसे ही कभी भी आते हैं, ऐसे फिक्स नहीं रहता, आओ थोड़ा सा आओ रे बाबा, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, ओके, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू, गुड नाइट फॉर वाइन।